हाँ that, that uh, well? uh, मुझे लगता है कि जो प्यार इस शौक को मिला या इस कैरेक्टर को मिला उससे बहुत क्लियरली मैं यही डिकोड कर पाता हूँ कि मैंटोरशिप बहुत कम है मतलब वो सही तरीके से या तो नहीं है या अवेलेबल ही नहीं है लोग अकेला महसूस करते हैं लोग यू नो जो उनको सिचुएशंस में कहीं यू नो हम एज ह्यूमन वी आर यू हम सोशल हैं हमें यू नो चीज़ें एक्सप्रेस करनी ज़रूरी हैं हमें सपोर्ट बहुत ज़रूरी है तो कई बार हम वो खासकर जब स्टडीज़ हम लोग करते हैं तो उस तरह का वो सपोर्ट सिस्टम क्रिएट नहीं हो पाता यू नो कई बार हम लोग सेम दोस्त बनाते हैं जो सेम कॉम्पटिशन में हैं हमारे से तो कुछ चीज़ें हम ऑफकोर्स नहीं शेयर कर पाएंगे

Of Goodbye. हाँ आई थिंक मैं भी कोटा में पढ़ाई की है मैंने और कोटा का जो क्लासरूम कल्चर है वो बहुत डिफरेंट होता है जो अपन स्कूल में पढ़ाई करते हैं या फिर जो अपन कॉलेज में पढ़ाई करते हैं वो दो साल बहुत ही अलग तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है इन द सेंस कि तुम अब तक स्कूल में होते हैं कि हाँ एक क्लास में तीस चालीस बच्चे होते हैं टीचर होता है अब टीचर सबके नाम जानता है सबके पेरेंट्स को जानता है यू नो सबकी क्या क्या पर्सनल इशूज हैं उनको समझ पाता है बट आई थिंक कोटा में वो स्पेस तो नहीं मिलता है क्योंकि बहुत नंबर ऑफ़ यू नो तादाद में एक स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर एक क्लास में दो सौ डेढ़ सौ दो सौ के आसपास बच्चे होते हैं उनको टीचर एक बड़े ऑडिटोरियम में या एक हॉल में लेक्चर लेता है डेढ़ घंटे का एंड ऐसे वो वीक में मतलब बीस पच्चीस लेक्चर लेते हैं तो उनके पास टाइम नहीं है कि पर्सनली किसी बच्चे की प्रॉब्लम को समझे पर्सनल प्रॉब्लम को समझे तो उस एन्वायरमेंट में टीचर्स के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ऑफकोर्स स्टूडेंट्स बहुत इंस्पायर होते हैं अलग अलग तरह के टीचर्स से कि हाँ कोई अच्छा पढ़ाता है किसी की पर्सनैलिटी अच्छी है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स उस उम्र में इंप्रेस होते हैं उनकी पर्सनैलिटीज से उनके जैसे बनना चाहते हैं उन्होंने जो लाइफ में किया है में से कोई एक चीज अचीव करना चाहते हैं तो वो सारे यू नो एम्बिशंस क्रिएट होते हैं स्टूडेंट्स की लाइफ में बट uh, जब uh, लेकिन आई uh, थिंक कोटा फैक्ट्री जब आया और उसका इम्पैक्ट इतना रहा कि मैं मुझे क्योंकि मेरे लिए वो स्टार्स है मतलब उनसे मिलना मेरे लिए बहुत यू you नो know, ऐसा नहीं था कि मैं कभी भी जाके उनसे मिल लूंगा एक अलग तरह का यू नो स्टार टक वाली जो चीज़ होती है वो होता था बच्चों में कि मैं इनसे जाके मिलूँ या नहीं मिलूँ वो एक घबराहट होती थी देन फाइनली ये आया तो उन्होंने टीचर्स ने मुझे मैसेजेस किए या कॉल किए एंड जब मैं वापस कोटा गया तो मैं उनसे मिला देन तब उन्होंने बताया कि अभी इस सीरीज ने काफ़ी पर्सपेक्टिव चेंज किया है मतलब वो हमें कहीं थॉट था कि अच्छा ऐसे पर्सनल भी यू नो इन्वॉल्व हो सकते हैं बच्चों के साथ जो कि एक टीचर का काम है यू you नो know, हम बहुत ही पढ़ाई पढ़ाई में रह जाते हैं हम लोग सिर्फ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाने में रह जाते हैं बच्चों को हम लोग ये नहीं देख पाते कि वो अगर सही मेंटल स्पेस में नहीं हुआ तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी इवन मतलब इक्वल टैलेंट होते हुए वहाँ पे यू नो बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो टेंथ में बोर्ड्स में मेरिट में आते हैं बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं तो उसका रीज़न आई थिंक वो होता है कि तुम्हें यू नो अच्छी मैंटोरशिप नहीं मिली या अच्छे टीचर नहीं मिले तो ये उन्हें फील होता है एंड काफ़ी चेंज किया है उसने लोग स्टूडेंट्स uh, की पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाते हैं आजकल तो आई थिंक ये एक बड़ा यानी विनिंग फीडबैक है uh, एक ऐसी सीरीज़ के लिए